good shit I do. Good shit I do. यस्यां केच विभाति भूधर सुता देवापदा मस्तके भाले भाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसे व्यालरा शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिं प्रदम् ब्रह्मा सम्मुपनिन्द्रसेव्यमनिखम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देहं करुणाकरम् गोपालं भूपाल चूडामणिं गुरुः ब्रह्म गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः बुलिराधे रसिक बिहारी की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधेश अद्वैत अद्वैत परब्रह्म शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य प्रत्यगे रस परिपूर्ण रसो अस्वादित परमात्मा श्री कृष्ण सरकार जी की पावन सन्निधि में हम सब व्यास राणे की असीम कृपा से सुखदेव स्वामी की असीम कृपा से आज भागवत प्रेम भाव से हम श्रवण करने जा रहे हैं। आज बड़ी ही सुंदरमयी कथाओं का हम यहाँ आनंद लेंगे। परमपिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक आद्य गुरु शंकर जी महाराज की आज यहाँ विवाह संपन्न की जाएगी। आदि कथाओं का हम आनंद लेंगे, सृष्टि वर्णन आदि का। यहाँ परीक्षित जी महाराज के स्थान पर बैठे हुए श्री बाबूलाल पटेल जी व गोविंद साहू जी सपत्नीक भाव से उपस्थित हैं। समस्त ग्रामवासियों को भी हम सादर आमंत्रित करते हैं कि आप सब मेरी माताएं जो हैं, बहनें जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वयोवृद्ध जो गण है पिता तुल्य, आप सब सादर आमंत्रित हैं। आइए हम समय का लाभ लेते हैं। जीवन कुछ दिनों का मिला हुआ है भक्तों,
उसका हम आनंद ले सद्भाव से कथा भजन का आनंद लेते हुए अपने जीवन को सही राह प्रदर्शित करें। आइए वाणी की सिद्धि करते हुए उस राधा माधव की चरणों में निवेदन करते हुए कि आज की कथा श्रवण करने के लिए हमें असीम कर्ण ध्वनि की कृपा करें, देने की कृपा करें। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। आप दोनों हाथों से कर्तव्य ध्वनि के साथ हमारा साथ देंगे। जय राधा माधव, जय कुंज Thank you.
विश्राम किए थे बताएंगे बाबूलाल पटेल जी, बताएंगे बाबूजी जो हैं। परिचित जी को श्राप मिला था और वहीं पर हम लोग विश्राम किए थे 2000 श्लोकों के द्वारा और 52 अध्याय की कथा हम लोगों ने कल श्रवण की थी। यथा उचित समय को देखते हुए कुछ छोड़ते हुए कुछ काटते हुए फिरते हुए जहाँ पकड़ आई वहां पकड़ते हुए तो हम लोगों ने कल बड़ा ही आनंद लिया कथा का। तो आइए जब शरणागत हुए भगवान शरणागत जब हो गए सुखदेव स्वामी जी के परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज देखिए कोई और नहीं माताओं, हम सभी परीक्षित जी महाराज जो पर की इच्छा से संसार में आए और आकर के आज हम यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। सुख हो चाहे दुख हो आज हम जैसे भी जीवन निर्वहन कर रहे हैं और आगे पथ पर बढ़ रहे हैं। परीक्षित जी महाराज जिनको एक क्षण का सुख नहीं था, अगर किसी को पता चल जाए बाबूजी कि आपको 7 दिनों में मरना है तो बताइए फिर किसी में आपको सुख लगेगा? जो संपत्ति का आप अहंकार लिए चलते हैं, जिस धन वैभव ऐश्वर्य परिवार पत्नी बच्चे का आप अहंकार लिए चलते हैं, वो सुख देगा आपको? अगर मौत पता चल जाए तो कि आप 4 दिनों में 2 दिनों में मरने वाले हैं, आपको हर पल मृत्यु नजर आवेगी, हर क्षण मृत्यु नजर आवेगी। आज परीक्षित जी महाराज को हर पल मृत्यु ही नजर आ रही थी। उनका हर एक घंटा कम हो रहा था, समय के चलते उनके मिनट घंटे दिन रात सब कम होते जा रहे थे। सुखदेव स्वामी ने कहा कि तू चिंता मत कर बेटा, आज अगर तू चिंता करेगा तो मृत्यु तेरी जल्दी आ जाएगी। डॉक्टर के पास जाते हैं बाबूजी कोई गंभीर बीमारी हो, डॉक्टर कहता है ठीक हो जाएगा, काहे कि तू चिंता करता है? अरे छोटा सा है, बीमारी बड़ी है, लेकिन डॉक्टर अगर बोल दे कि ये छोटा सा है भाई काहे तू चिंता करता है,
तो बेचारा चार दिन जीने वाला प्रेम 40 दिन जिएगा। और छोटी सी बीमारी है, डॉक्टर बोल दे अरे इतनी बड़ी बीमारी अब तो तुम चार दिन जीने वाले नहीं हो, तो बेचारा एक दो घंटे में निपट जाएगा, अब तो मुझे जीना ही नहीं। अभी जो विपत्ति आई थी कोरोना के रूप में, कई लोग डर में मर गए, कई लोगों को तो सच में वो समेट लिया, लेकिन कई लोग बीपी बढ़ जाने के कारण मर गए डर में। तो जो डर हावी होता है, आज परीक्षित जी महाराज उस डर के कारण नहीं बैठे थे, आज वो इसलिए बैठे थे कि सुखदेव स्वामी जो है उनके समक्ष हमें कथा रूपी गंगा की प्राप्ति होने वाली, अनमोल रतन की अमृत की प्राप्ति होने वाली। जैसे आप लोग अमृत पंचामृत ग्रहण करते हैं मेरी माताओं, और एक अमृत जो 14 रत्नों में से एक अमृत निकला, समुद्र मंथन हुआ तो जिसको भगवान ने इंद्र आदि देवताओं को वितरण किया। जब कथा आरंभ हुई ना बाबूजी, तो परीक्षित के समक्ष जो है सभी देवता उपस्थित हो गए, जितने 33 प्रकार के देवता हैं वो सभी देवता उपस्थित हुए, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्वनी कुमार अमृत कलश लेकर खड़े हो गए। कहा कि सुखदेव स्वामी जी, आप जो अमृत परीक्षित को पिलाने वाले हैं, यद्यपि आप इनके तरण तारण के लिए मुक्त करने के लिए इसको पिला रहे हैं, तो आप हमें बोलिए ना भाई, हम परीक्षित जी महाराज को ये अमृत पिला देते हैं, अमर हो जाएगा। परीक्षित स्वामी ने देखा कि सभी देवता आए हैं अमृत कलश लेकर के, और निवेदन कर रहे हैं कि अमृत हमें पिलाइए जो कथामृत है, और ये जो मुख्य अमृत है इसे आप परीक्षित को पिला दीजिए। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, तुम योग्यता तुम्हारे में नहीं है, योग्यता इस मानव में है, इस इंसान में, हम इंसान में एक योग्यता है कथामृत पीने का। ये कथा ना माता बैकुंठ में नहीं होता, जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं छोटी मोटी कथा नहीं है, ये कथा देवता लोग तरसते सुनने के लिए, ये इस अमृत को पीने के लिए सभी देवता तरसते हैं। हम लोग भी आए हैं तो भगवान से ऋणी होकर के आएंगे, प्रभु हम आपकी कथा श्रवण करेंगे, प्रभु कुछ समय निकालेंगे, कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर में नाना प्रकार के काम होंगे भगवान, लेकिन मैं उस काम में से भी काम छोड़ करके आपके लिए समय कुछ निकालूंगा, वचनबद्ध हुए। तो आज परीक्षित जी महाराज उसी वचन का पालन करने के लिए बैठे हैं, डर में नहीं बैठे हैं कि मृत्यु है, मृत्यु को स्वीकार किए वो। और वास्तव में हम सबको ना माता जी मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए, प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो कल मरने वाले हो तो आज ही मर जाएं अच्छा है, खाट में पच के मरेंगे उससे अच्छा है कि चलते चलते खाते खाते उठन बैठन प्रेम के साथ मित्रों के साथ कथा के पंडाल में मर जाएं। भगवान से वही बात याचना है कि अगर मृत्यु आए माता जी तो इसी कथा पंडाल में आवे, स्वागत है उस मृत्यु की। अगर कथा कहते कहते मर गए ना बाबूजी तो सचमुच भगवान की कृपा से हम बैकुंठ की प्राप्ति कर लेंगे, और उधर मर गए इस पंडाल के बाहर तो पता नहीं किस जगह बैठे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं, किसकी चारी चुगली कर रहे हैं, शायद वहां फंस जाएंगे। और यहाँ बैठे बैठे भगवत चर्चा में कहीं मर जाए तो भी भगवत कल्याण है, समझ। बोली राधे, तो मृत्यु से डरना नहीं है माँ, मृत्यु का स्वागत करना है, कल का आने वाली मृत्यु आज आ जाए कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो सोचते हैं मेरे जाने के बाद क्या होगा, हम लोग हमारे पास यही एक प्रश्न होता है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, तो आप लोग ये जान लें कि आप नहीं थे तो भी अच्छा था, आप हो तो भी अच्छा है, और नहीं रहोगे तो भी अच्छा होगा। गीता में एक बात आती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा आगे भी अच्छा ही होगा। तो आप व्यर्थ की चिंता करते हैं। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज जी मेरे कुछ प्रश्न हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा कि बताओ बेटा क्या प्रश्न है। उन्होंने कहा मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अगर मैं जान गया कि मुझे मरना है तो मुझे क्या, मैं क्या करूं। उन्होंने 6 प्रश्न किए माताओं परीक्षित जी महाराज ने अपने जीवन काल में। सुखदेव स्वामी ने कहा उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, मरणासन व्यक्ति को मात्र भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? अगर आपको पता चल गया कि अब मेरा जीवन अवधि बहुत कम है, मैं जीने वाला ज्यादा दिन नहीं हूं, तो आपको भगवत शरण लेना चाहिए, और शरणागत होकर के आपको भगवान की सन्निधि प्राप्त करना चाहिए। और शरणागत कैसे होते जानते हैं माता जी? हम लोगों में एक शरणागत की एक बात आती है,
भगवान शरणागत वत्सल है। सबसे बड़ी अगर कोई चीज बताए कि भगवान ने स्वयं कहा सबसे बड़ी कोई चीज है तो इस संसार में है 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण 4 वेद और हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे ऊपर स्थान भागवत और रामायण का है और उससे ऊंचा कहें तो गीता और उससे कहें तो भगवान श्री राम श्री कृष्ण और उनसे कहें अच्छा कहें तो उनका नाम बड़ा है। और भगवान ने कहा अगर मुझसे भी कोई बड़ा है तो हम भक्त पराधीनो योगी ना योगी नाम हृदय चवे। कहा कि मुझसे ही बड़ा कोई है तो वो शरणागत है जो मेरी शरण में आया हुआ है। शरणागत मुझसे ही बड़ा है तो शरणागति कैसे लेनी माता जी आपको? जैसे कि आप लोग गाड़ी में बैठते कि नहीं बैठते मोटरसाइकिल इत्यादि में? गोविंद भैया गाड़ी चलाता जी मोटरसाइकिल? बाबू चलाता आप गाड़ी स्कूटी वगैरह? दाई चलाते हो? नहीं चलावा, खैर दाई पर ही चलावेगा। आजकल सब दीदी मंदिर चलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं बाबूजी मान लीजिए तो आप लोग किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? जिसके पास विश्वास हो आपको, जो हमें गिराएगा नहीं, हमें विश्वास है कि हमें गिराने वाला नहीं है। हमारे पति हैं, हमारे भाई हैं, देवर हैं, जिनके सानिध्य बैठने से हमें एक क्षण डर नहीं लगता। और कोई मादक पदार्थ लिया है या कोई हमारे अनजाने लोग हैं उसके सामने 10 बार किसके साथ बैठूंगी नहीं बैठूंगी? तो आप लोग जिसके साथ बैठते हैं उसके पास भी विश्वास से कि हमें गिराने वाले नहीं गंतव्य तक पहुंचाएंगे। बड़ौदा जाना है तो बड़ौदा ले जाएंगे, वापस भी लाएंगे, विश्वास जाते हैं। तो इसी विश्वास को आपको भगवान पर भी करना है कि भगवान हमें गिराने वाले, तब शरणागत आप धारण करेंगे। और अगर विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर कृष्ण के ऊपर तो ये जान लीजिए माताओं हमें अभी वास्तव में शरणागति हुई नहीं है, भगवत प्रेम हुआ नहीं है। क्योंकि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, एक निष्ठा से अगर भगवत विश्वास करेंगे तब जाकर कल्याण होगा। वरना अगर आप लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं मान लीजिए तो किसी ने कहा ए भाई जरा देख के अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है मैं कर सकता हूँ तो ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं ऊपर भी नहीं नीचे भी। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो जान लीजिए आपको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखकर चलना होगा। और आप चल रहे हैं भी ये मान लीजिए रास्ते पर कोई गुटखा खाने वाला जो है, आजकल गुटखा फेमस सब खाते हैं, गुटखा खाने वाले छत में खड़े हैं। अब आप तो आगे पीछे देख रहे हो, गुटखा खाने वाले ऊपर से पिचकारी चलाया, होली चल रही है आजकल, आप लोग गुलाल रंगीन मत समझ जाना गुटखा का पिचकारी होली। अब कहीं ऊपर देख लिए ये तो सीधे, तो ऐसे है कि हमारे ऊपर विश्वास, हम जो स्वयं को विश्वास करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि तुम परमात्मा के ऊपर विश्वास करो परीक्षित जी महाराज आपका कल्याण होगा। और वास्तव माता जी हम जो बिना सोचे जिस बस से बैठते हैं, आप लोग बस में बैठे होंगे, बस में बैठे बाबूजी एक आध बार, उस चलाने वाले को हमने नहीं देखा कि कौन चला रहा है, ना हमारा परिवार का है ना इसके बारे में हम जानते हैं। वो बस चला रहा है हम उसके बारे में नहीं जानते कौन है किधर ले जाएगा, लेकिन विश्वास से 20 रुपए दे करके हम उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और जहाँ जाना है वहां तक चले जाते हैं। तो अगर वो अनजाने व्यक्ति के हाथ में जिसके हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग है उसके सन्निधि में हम बैठ जाते हैं वो हमें नहीं दिखता तो भगवान भी हमें नहीं दिखता, इसका मतलब भगवान नहीं है? ऐसा बात नहीं है, भगवान है। हवा भी तो नहीं दिखता जी, लेकिन हवा है कि नहीं है? इसी प्रकार कोई तो ऐसी चीज है जो आपके पीछे है उसके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए। आप शरणागत हो जाइए। आप सभी जो है आज परीक्षित जी महाराज शरणागत होकर के भगवान नाम के लिए आते हैं और भगवान का नाम स्मरण कराते हुए कहते हैं कि हरि हरि बोलना चाहिए, हरि हरि बोलिए आप। तो परीक्षित जी महाराज जो है भगवान का नाम स्मरण करते हैं। कहा महाराज जी आप हमें मत बताइए कि हमें किसने बनाया और किस लिए बनाया और इस संसार का रचनहार कौन है, किसने सारी सृष्टि को बनाई?
तब भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है परीक्षित जी महाराज, इस संसार में मात्र जल ही जल था, जल ही जल था, कुछ एक कण नहीं था पृथ्वी का। जब सारी सृष्टि में जल ही जल रहा तो एक स्वर्णमयी अंडा आया। हिरण्यगर्भ संमतागरे भूतजात पतिरेक आसित सदाधार पृथ्वी धामती मां तस्मै हविखा विधेम। एक स्वर्णमयी अंडा आया, उसमें 24 तत्व प्रवेश किए, 24 तत्व प्रवेश किए। वो अंडा हिलाना हिला नहीं। 25वां तत्व वसु प्रवेश किया समय के चलते। जैसे वसु प्रिय प्रवेश किया, उसमें से एक दिव्यमयी द्वादश सूर्य की भांति चमकदार जो है एक जीव वहां से बाहर आया, जो शेष सैया पर लेटा हुआ था। हजार वर्ष उस जल में पड़ा रहा वो जीव जो है, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। देखिए माताओं, जब नारायण नाम पड़ा तो नार धन आयन, नार का तात्पर्य जल से, आयन का तात्पर्य आना। जो जल से आया हुआ है वो है नारायण। उसके नाभि कमल से एक कमल स्वतः ही ऐसे ऊपर निकल गई और सीधे जल के ऊपर उसने एक छोटा सा बालक बैठा हुआ। उत्तर देखा, एक सिर उत्तर की ओर, दक्षिण देखा, दक्षिण की ओर एक सिर। अयम व्यक्तियो, अयम चिंतयो, अयम विकारियो, ऐसे चार सिर उनके आए चारों दिशा में। देखा कोई तो होगा, कुछ ना दिखा। ऊपर की ओर देखे, ऊपर भी कुछ ना दिखा। ऊपर भी एक सिर आया जिसको गधा का कहा गया। उसी सिर को भगवान शंकर जो भैरव के रूप में काट देते हैं, और वही भैरव को जब ब्रह्म हत्या का श्राप लगा तो जाकर काशी विश्वनाथ में वहां विराजमान हो जाते हैं। बोले काल भैरव महाराज की। तो देखे कुछ ना दिखा, कमल नाल के अंदर चले गए। 100 वर्ष बीत गए बाबूजी, ढूंढते ढूंढते कि कोई तो होगा अंदर नीचे, कुछ ना मिला। ऊपर आए फिर बैठे, शांत बैठे रहे। अचानक एक आकाशवाणी हुई, तपह तपह तपह। तपह का तात्पर्य तपस्या से, और जो तपस्या करते हैं उनको फल निश्चित रूप से मिलता है। मान लीजिए आपको अभी तपस्या कर रहे हैं, अभी यहाँ बैठ कर कुछ परेशानियां हो रही, लेकिन इसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा माता जी। किसी ठेकेदार के पास गए हैं काम करने के लिए, उस ठेकेदार की बनी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं आपको मिलेगी। 7 दिन काम किए हैं, 1 दिन तो खा सकता है वो, पता नहीं आपका 5 दिन का रोजी दिया, 2 दिन का देगा कि नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी है बताइए। लेकिन आप जिस ठेकेदार के यहाँ बैठे हैं, जिस ठेकेदार के चौपाल में बैठे हैं, ये ठेकेदार जो है संसार का ठेका लिया हुआ है, और एक एक मिनट का हिसाब, एक एक मिनट का हिसाब करके आपको मिलेगा। इस लोक में नहीं तो परलोक में मिलेगा, जिसकी ठेकेदारी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? इस बात को मानना होगा, वो सबसे बड़ा ठेकेदार है भैया। आज हमारे ये जो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में प्रभु जब तपस्या किए तो फल की प्राप्ति उनको हुई कि नहीं हुई? कहा बेटा 20 मिनट लगता है खाना बनने में। आप लोग खाना पकाती माता जी, कभी कभी खीर बनाती होंगी आप लोग, खीर बनाती कि नहीं बनाती? नमक डाल के क्या डालते हैं माता जी खीर में? हमारे गांव नमक डालते ऐसे लगते हैं। तो आप लोग खीर बनाती हैं, 20 मिनट लगता है बाबूजी खीर बनने में, मान लीजिए नहीं लगता 20 मिनट 25 मिनट जो भी, 20-25 मिनट लगता है। तो 20-25 मिनट के बाद आप जब खीर खाती हैं या खिलाती हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता बनने के बाद? और जल्दी ही कह करके 10 मिनट में उतार दिए, तब जल्दी है कहकर 10 मिनट में उतार दिए मान लो, तो ना खाने में आनंद आवेगा ना किसी को खिलाने में आनंद। भाई चिवरी रहेगा मान लीजिए चावल जो है, उसको ना तो खा सकेंगे आप ना किसी को। समय लगता है तपस्या में, समय लगता है, भगवान भी समय मांगते हैं, कुछ समय मुझे दो। जब आपको 24 घंटे भगवान ने दिए जीवन काल में रचनहार ने, तो कम से कम 20 मिनट तो भगवान को दो। बोली राधे तपस्या किए मां, 100 वर्ष बीत गए, और जब 100 वर्ष बीते ब्रह्मा जी के समक्ष जो है भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं।
बोलिए श्री कृष्ण चंद्र सरकार की। और जैसे प्रकट हुए तो वो श्लोकों के द्वारा भगवान का स्तवन करने लगे। नमो अस्त्वन्नताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरखाय सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। भगवान ने कहा, पुत्र तुमने 100 वर्ष की असीम तपस्या की है, एक काम करो, संसार का सृजन करो। संसार का आप सृजन कीजिए। बोले राधे कृष्ण भगवान की। हमारे ग्राम मेरा से बड़े ही हमारे वैसे कहते हैं माताजी कि खून के रिश्ते ही काम नहीं आते। जो हमारे खून के रिश्ते नहीं हैं वो भी हमारे काम आते हैं। और इस व्यास में से हम उनका साधुवाद करते हैं कि बहुत अनमोल समय निकाल करके आप यहाँ आए हैं। शायद ही हमारे वक्तव्य से आप संतुष्ट हो पाएंगे, लेकिन हाँ भैया आपका परिचय देते हैं। हमारे हृदय से हृदय भाव से छोटे भाई के समान प्रेम करने वाले दोनों भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। परम प्रिय बड़े भैया श्री पुहूपलाल पटेल जी, एक बार जोरदार ताली से आप इनका स्वागत करेंगे। कुछ बातें अगर कथाओं में हम अगर रखते हैं माता जी, या कुछ बातें आप लोगों को अच्छी लगती है, जो बातें आप लोगों को अच्छी लग जाती वो बातें जो है इन्हीं की कुछ बातें होती जिनको सुन करके हम आपको सुनाते हैं। एक बार जोरदार हृदय से आप कर साधुवाद कीजिएगा। और एक हमारे बड़े ही प्रेमी भगवत प्रेमी मातृ पितृ सेवक व सभी बांधव गणों के सादर भाव से सबका चरण स्पर्श करने वाले भैया साधु की एक श्रेणी में हमारे श्री महेंद्र पटेल भैया जी, एक वास्तव में सज्जन पुरुष है भैया। जितना कम कहूँ उतना कम है। तो हम व्यास मन से उनका स्वागत करते हैं। बोले राधे कृष्ण भगवान की। आप ही बोलो तो शोभा दिख रही है। दो शब्द हमारे पुहूपलाल पटेल जी मंच पे आ रहे हैं। दो शब्द तो आप सब जो है स्वागत करेंगे। देखिए नेता वगैरह आते हैं भैया तो आधे घंटे ले जाते हैं, कम से कम 2 मिनट तो एक साधुओं को देना ही बनता है। बोले राधे कृष्ण भगवान की। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। जितने भी आए भाई बंधु प्रेमियों, मैं उन सबको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। व्यास पीठ पर आसीन मेरे छोटे अनुज भाई, मैं इसको अनुज ही कहता हूँ, और आज से पहला नाम इनका दिया है अनुज श्री उपाध्याय जी। ये मेरे गुरु भाई हैं। ये गुरु शिष्य पर बैठा है।
चित्रकूट का संत श्री किंकरदास जी महाराज, श्री श्री 108 श्री के कृपा पात्र शिष्य श्री कृपादास जी महाराज के परम शिष्य है ये, जो भी बैठे हुए हैं, आप सब की बड़े भाग्यशाली है ये कि जो शिष्य बनाया है, गुरु किया है इसने, गुरु के पद पर जाकर के शिष्य प्रदान होना ये सबसे बड़ी बात है। एक छोटा सा गोरखनाथ जी का एक संदेश है, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, पर तिस मरनी ऐसे मरी जिसने गोरख दी मरीठा। ऐसे मर के देखो, मतलब अपने अहम को मार डाले। जोगी लोग, जो संत लोग, महंत लोग होते हैं ना, वो ऐसा यू साधारण देखने में तो लगता है कि ये घर छोड़ के साधु बन गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, ऐसा सुनने में आता है। पर एक दिन क्या घर में आप 8 दिन 15 दिन कम से कम घर छोड़कर देखो क्या होता है। लेकिन वो जीवन पर्यंत संत महात्मा के साथ में और संत हो जाना ये सबसे बड़ी बात होता है। तो ये कृपा पात्र शिष्य है श्री वीर नारायण जी महाराज उपाध्याय जी, और ये मेरे छोटे भ्राता है, मैं इसको अनुज भ्राता ही कहता हूँ। इसका हमारा बैठना उठना कभी कभी, मतलब नहीं, कम से कम हमेशा ही लगभग हम इसके पास आते जाते बैठते उठते हैं। और जब हम लोग भगवत चर्चा जब हम लोग करते हैं ना, तो कहाँ कहाँ प्यास, कहाँ भूख, कहाँ क्या, सब चला जाता है। मैं व्यासपीठ के सामने बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो इसी भाव के साथ ये हमारे प्यारे शिष्य हमारे गुरु भाई है ये, और मेरे को गुरु तुल्य समझता है, लेकिन मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा ही इनका भाव होता है। मैं तो गुरु नहीं हूँ, मैं तो किंकरदास महाराज का शिष्य हूँ, उसके शिष्य राम कृपाल दास जी है, उसके शिष्य अभी जो देख रहे हो आप वीर नारायण महाराज जी, यही उनके शिष्य है। तो वो एक बार सब हाथ उठा करके बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। हरि ओम श्री तत्सत, ओम श्री सीतारामाभ्याय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सच्चिदानंदाय नमो नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमेश्वरी गुरुभ्यो नमः, ओम श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री कामतानाथ भगवान की जय, जय जय वंदेवी आश्रम की जय, राम घाट की जय, अयोध्यापुरी धाम की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, हरि ओम श्री तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद भैया। वास्तव में आप लोगों से एक बात तो कह दूं कि हमारे भैया जो है गुरु प्रेमी हैं, अपने गुरु के वचनों का बहुत पालन करते हैं और गुरु को ही ब्रह्म समझते हैं। आप सबको एक बात बता दूं माँ जी कि भैया जो है वास्तव में सात्विक विचार और सात्विक खान पान वाले हैं। किसी के यहाँ खाना वाना नहीं खाते, किसी के यहाँ चाय नहीं पीते बता रहे। अगर वो किसी के यहाँ चाय पी रही है और कहीं वो दुष्कर्म करने वाले हैं, खान पान गलत रखने वाले हैं, तो उसका दंड उनको ही मिल जाता है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो वक्तव्य किए हैं, कभी कभी त्रुटिपूर्ण वाणी को भी आपको सार्थक समझना चाहिए। कभी कभी हम जो बोल नहीं पाते अपने हृदय की बातों को,
लेकिन हृदय अर्जुन तिष्ठति कहते हैं कि भाई हृदय में रहने वाले भगवान जो हैं वो सब समझते हैं, बोली राधे। तो साधु कभी कभी आते साहब, तो हमारे गांव में भी पूरा उतना गांव होगा, 5,000-10,000 लोगों का एक झुंड होगा, लेकिन वहां कोई बिरले व्यक्ति होंगे जो संत के रूप में होंगे, जो गांव को बचाने वाले हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि धर्म की रक्षा करने वाले बहुत कम हैं साहब, और हैं कम हैं कोई बात नहीं, हैं उसी कारण ये संसार टिकी हुई है। अगर वही गिने चुने लोग खत्म हो जाए तो संसार भी खत्म। तो ऐसे हमारे भैया हैं, अगर 2-4 व्यक्ति संत होंगे वहाँ, तो हम हृदय से कहते हैं कि एक व्यक्ति भैया भी है और उनके समकक्ष बैठे हुए भैया भी हैं। तो आप सभी जोरदार ताली के साथ का स्वागत करेंगे, बोले राधे कृष्ण भगवान की। आज हमारा शिव आह संपन्न हुआ, भैया से एक सुंदर स्वागत गीत 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबका स्वागत करते हुए बोले राधे कृष्ण भगवान की जय जय श्री। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए हैं जो ओ, आप आए हैं जो मन में हर्षित हुए, आप आए हैं जो सब ये हर्षित हुए, हम भी हर्षित हुए, हम भी पुलकित हुए, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास राय महाराज की, संत समाज की जय, जय श्री राधे श्याम। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। आइए आइए कथा क्रम में माता जी परीक्षित जी महाराज जो है उनको सुखदेव स्वामी कहते हैं भैया कि जब ब्रह्मा जी ने तपस्या पूर्ण की तो तपस्या में आपको समय जरूर लगेगा, कुछ कठिनाइयां आएंगी, कुछ परेशानी आ सकती हैं, शायद कुछ बहुमूल्य चीज को आपसे छीनना छीन भी ले भगवान जो हैं जिसको आप चाहते हैं, परंतु आपकी उस विषम परिस्थितियों में भी आपको भगवान का ध्येय रखना है, और अगर आप उस परीक्षा में विजयी हो जाते हैं तो फिर जो 16 प्रकार की भगवान की व्याख्या कही गई है पुरुष सूक्त में, इसमें आप पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि भगवान के शरीर के ही अंदर है, हम कहीं बाहर ये पृथ्वी कहीं बाहर नहीं साहब, ऐसी अनेकों आकाश गंगाएं तो भगवान के एक एक रोम में है, रोम रोम प्रतिलाग है, कोटि कोटि ब्रह्मांड। देखिए ब्रह्मा जी को जब कहा गया कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, तो ब्रह्मा जी ने बाबू जी जब जब चालू किए तो सात्विक भाव से अपने सात्विक विचारों से देवताओं का निर्माण किया, 11 रुद्र, 12 आदित्य, अश्विनी कुमार, इन समस्त 33 प्रकार के देवताओं का निर्माण किया सात्विक विचार के द्वारा। जंघ प्रदेश से असुरों का तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, तमो मोह महातमह, पंच अविद्याओं से, जो 5 अविद्या है तामिस्त्र अंध तामिस्त्र तमो मोह महातम, ये 5 अविद्याओं के द्वारा ही इस संसार का रचनहार हुआ है। असुरों की उत्पत्ति जंग प्रदेश से, असुर जब खाने दौड़े ब्रह्मा जी को तो क्रोधित में क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी अपने बाल को नोच लेते हैं,
उसी के द्वारा कश्यप विंतात्मज समस्त सर्पों की उत्पत्ति हुई, वासुकी आदि नाग जितने नाग नागेश्वर हैं सभी की उत्पत्ति हुई। छाया के द्वारा कर्दम की उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी महाराज आए। भावों के बीच से रुद्र की उत्पत्ति हुई, बोले रुद्र भगवान की, जिसको हम शिव के नाम से जानते हैं उस रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र रोता हुआ बाहर आया, माता जी ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार का सृजन कर बेटा, तो रुद्र रो रहा था, कहा कुछ खाने को दो, कुछ खाने को, लेका मन रोते माई, कुछ खायल देवे चुप होते, नहीं रोए लेका मन, जिसे लेका मन रोते कुरकुरे उरकुरे लागते कि नहीं लागे, पांच दस के चिप्स वगैरह, भाई पांच दस रुपए दे चिप्स पकड़ा कुरकुरे खिला चुप लेका जो है, कभी कभी रोना चुरो थे उगरे पर, और खास कर लेका मन अभी ठहो दिमाग लगाते भैया, सगा मनाए थे ना उसके भी रोते, ये दिमाग ना कहां से पाए पता नहीं, जबकि कोई बैठैया है उसके भी रोही, और वो जाना थे कि घर के मन दाई दादा मन नहीं दे दे ही, ये बेचारा शर्म मदेवे कर ही, और देवैया का मन नहीं है, तब बोला तेज बला गई, तेज बला गई लरे एल भैया एल, अब बोल देते जान के देवे कर, और एक बात और, ओ दे भैया पैसा में मात्र लड़का को मन नहीं रहा है भैया, घर वाला बन के तको मन रही थे ना, जायक बेरा होते सगा मन जाते बाबू गोविंद भैया सगा मन जाते मान, अब जायक बेरा तो 10 20 50 देवे कर ही ना, अपन भाचा भाची मान ला भैया देखे बाहे था एल भाचा 50 रुपए का कछु खाबे, तो दीदी का एक हाथ मध्यन भाई मध्यन ना रखेरी नहीं लागेगा, खात पिया थे रोज 40 50 से खाते हैं, अच्छा अब उकर मन का एक हाथ अंदर वो दीदी के धान ली दीदी का लिखा है यहू नहीं कह दी, अब धरी ली जो लिखा है दे मामा के वो सगा बेचारा उकर मामा हां वो सेवारल बाहर नहीं गए गांव के, वो बाउंड्री के बाहर नहीं गए, ये लड़का को जाए मत घर के दायरे तक नजर में है, लड़का को खा गए मत, और जैसे उकर मामा भागी तुरा तो लेकर कहां आ गए चिकू, इतिया वो 50 ना काय कर बिके, वो 50 से काय कर बे, ये 5 ना धर चल खसक कुरकुरे खा 45 इति अंदर देख, ये दिमाग बोली राधे, तो कहां से दिमाग आते पता नहीं, रुद्र रोवत रहेगा, भगवान शंकर जी महाराज जब आए संसार में तो रुद्र के रूप में तो रो रहे थे, ब्रह्मा जी ने कहा जो यज्ञ में यजन में बच जावे वो तुम्हारा है, यज्ञ में जो बच जाए वो तुम्हारा है, यज्ञ के बाद जो अंश बच जाएंगे वो तुम्हारा होगा, कृपा कर आप जो है अपना सृजन करें। तो रुद्र ने क्या बनाया जानते हैं माता जी, उस रुद्र ने बनाया डाकनी साकनी मरी मसान भूत प्रेत बेताल समस्त सब बनाने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा ओ भैया, ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या संसार को आप भूत प्रेत से भर दोगे, डाकनी साकनी मरी मसान से, संसार में इंसान को ही बनाना है, जीव को ही बनाना है जगह रखिए। रुद्र जी चले गए और वास्तव में यज्ञ में कोई बच जाए ना बाबू जी, कोई यज्ञ है, यज्ञ हो रहा है, रुपए पैसे धन दौलत जो भी बच जाए वो शिव जी का है, अगर उसको आप बचाने की कोशिश करेंगे तो वहां झगड़े उत्पन्न होंगे और रुद्र आपको रुलाएगा, क्योंकि रुद्र के अंश को आप कभी पचा नहीं सकते, जो जिसका है उसको दे देना चाहिए बोली राधे। इसलिए कई कई जो हमारी समिति होती है बाबू जी, उस समिति टूटती क्यों है, क्योंकि उस समिति के धन पर हमें आसक्ति आ जाती है, लोभ आ जाता है, हम उसे बांटना चाहते हैं, विग्रह करना चाहते हैं, उसे शिव की सेवा में लगाना नहीं चाहते, इसलिए हमें विभाजन हो जाता है। बोले जय श्री राम। शंकर जी की उत्पत्ति हुई, अंगूठे से दक्ष की उत्पत्ति हुई, 10 मानस पुत्रों को भगवान ने ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, अपने शरीर के दो अंश से दाहिने और वाम अंग से मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी जो है जन्म देते हैं। बोले राधे कृष्ण भगवान की। और यहीं से फिर संसर्ग भाव से संसार का सृजन होता है। उस मनु और शत्रुपा ने जब संसर्ग स्थापित किया उन्हीं के दो पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत।
और तीन पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। ये तीन बहनें हुई और यहीं से संसार का सृजन क्रम आरंभ हुआ। हमारे भगवान ब्रह्मा जी ने चार युग बनाए भैया। कलयुग जो आप हमें अभी वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, 4,32,000 वर्ष की आयु बताई गई है इसकी। 4,32,000 वर्ष की आयु है। इसको डबल कर दें आप तो 8,64,000 की आयु द्वापर युग की थी। 8,64,000 की आयु जो है द्वापर युग की बताई गई है। डेढ़वा करें इसका, डेढ़ कर दें तो त्रेता युग की आयु जो है 12,96,000 बताई गई है इसकी आयु। और सतयुग की बात करें तो 17,28,000 वर्ष की आयु सतयुग की बताई गई है। बोली राधे, ये चौथा युग है माता जी। और चार युग बीत जाए तो एक महायुग होता है। और यही एक महायुग अगर 71 बार बीत जाए तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इसी का एक दिन, एक 71 महायुग का एक रात होता है। और इसी प्रकार से 100 वर्ष की आयु, 125 वर्ष की आयु हमारे ब्रह्मा जी की बताई गई है। बोले राधे कृष्ण भगवान की। देखिए 12 महीने के 12 वर्ष बनाए भगवान ने। इसमें हर माह में शुक्ल पक्ष 15 दिन का और 15 दिन का कृष्ण पक्ष बनाया। जब समय का विभाजन हुआ तो एक पल से लेकर के निमिष से लेकर के भगवान जो घंटे का भाव रखते हैं। 12 महीने में 2 आयन बनाए, दक्षिणायन और उत्तरायण बनाए। दक्षिणायन में मृत्यु होती है। कर्म अगर आपके गलत है, सही ज्ञान नहीं है, कई भक्ति नहीं किए तो दक्षिणायन में आपकी मुक्ति नहीं होगी, सीधा आप जाएंगे यमराज के द्वार। उत्तरायण में मृत्यु हुई, कुछ कर्म अच्छे हैं, ज्ञान से आपने अपने आप को रोका है, कुछ सही भक्ति की है, तो उत्तरायण में आपकी मुक्ति होना निश्चित है। जैसे भीष्म पितामह ने उत्तरायण में अपना प्राण त्याजा। हमारे भगवान जो है, जब संसार में 84 लाख योनि बनाए तो पेड़ पौधे बनाए 30 लाख। 84 लाख में 30 लाख तो मात्र पेड़ पौधे बनाए। 27 लाख जो है कीड़े मकोड़े बना दिए। 9 लाख जलचर बनाए और 4 लाख जो है थलचर बनाए। ऐसे भगवान ने हम सबको बनाया है माता जी। और हमको जब बनाया ना माँ, तो बड़ी श्रद्धा से प्रेम से बनाए हैं। 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। और जिसको आप भगवान कहते हैं वो ही 5 तत्व है माता जी। आपको, आप जो ढूंढते रहते भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 तत्व को ही भगवान कहा गया है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अनल और न से नील। और ये जो भागवत आप श्रवण करते हैं ये वही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व की जानकारी देने वाला ही भागवत है। बोल राधे कृष्ण भगवान। इसे हमारे इस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। और एक बात और आपको ध्यान दें कि जो रचने वाले रचनहार हैं, वो रचनहार एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। उसके विभिन्न नाम जरूर है, कल बताए थे। और उनके 2 आंख है माता जी भगवान की। एक चंद्रमा जिसको मन कहा गया और एक जो सूर्य है, उसके द्वारा हम पर हमेशा निगरानी रखते हैं। जैसे आप लोगों का कोई दुकान हो, बाबूजी कोई दुकान में चले जाए सोना चांदी के, तो वहां पर एक इतनी बड़ी कागज में लिखी होती है, आप सतत रूप से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, कृपया संभल के। तो यहां से आप लोग व्यास मन से बता रहे हैं कि आप लोग भी सतत रूप से भगवान की निगरानी में हैं। 14 लोगों की निगरानी में हैं आप। उनका कैमरा जो लगा हुआ है वो फेल खा जाएगा, सुनार का कैमरा फेल खा जाएगा, लेकिन इनका कैमरा फेल खाने वाला, इनकी लाइफ टाइम बैटरी है, इनकी बैटरी जो है लाइफ टाइम भरी हुई है। आप भगवान की निगरानी है माता जी, तो अपने कर्मों को बिल्कुल सुधार करके कपाट को बंद कर देंगे, दरवाजे बंद कर देंगे, परमात्मा नहीं देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। किसी भी काल कोठरी में छोटी जगह में जाकर छुप जाइए, उनकी नजरें हर जगह पर गड़ी हुई है। बोली राधे, तो डरिए हमसे नहीं, इंसान से नहीं, किस जीव से नहीं, उस परमात्मा से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हर जगह पर अपने नयन बिछा कर रखे हैं। तो जिस सृष्टि को रचा है भगवान ने, आइए उसका सुंदर गुणगान करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमें 125 वर्ष की आयु दी भगवान ने।
और 125 वर्ष में जीने का एक भाव बताया है। निरोग कैसे रहेंगे, कैसे स्वस्थ जीवन हम जिएंगे, सब इस भागवत तत्व में हमें प्राप्त होगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। बोले राधा कृष्ण भगवान की, जिसे रचा है भगवान ने उसका तो हम सब धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बोले राधा कृष्ण भगवान की, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। Oh,
कुछ इंतजाम कर लीजिए, कुछ पुण्यों का संग्रह कर लीजिए, जिससे उस पुण्य के सहारे हम वापस चले जाए और लेन देन कर ले। विधि ने जो लिख दिया छठी रात को अंग, राई बढ़े तिल घटे रह रे जीव निसंग। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं इस जहां पे, 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 वही तो वापस बुला रहे हैं। जय जय श्री राधे 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 कहेंगे। ठीक बेटा, बोले राधे कृष्ण भगवान की। हमारे भगवान जो है कृष्ण कन्हैयालाल, वो सबको बनाए माँ जी, और कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं है। छुआछूत कीजिए जो गंदे विचार वाले हैं, जो गंदे कर्म वाले हैं, जिनके विचार गंदे हैं, उसे आप दूर रहिए तो अच्छा है। ये छूत है, उसे वो छुए मत, वही अच्छा है। यो महान भावान सेवते, महान भाव के साथ रही वही अच्छा है।
तो यहाँ पर भगवान ने बड़े ही प्रेम से ये बात रखी, हम सबको जीवन दिया। और बात रही सुख दुख की भैया, तो जीवन के दो पहलू हैं, जैसे धूप के पीछे छांव आती है और छांव के पीछे धूप आता है, सुख दुख आता जाता रहता है। और इसी को गोसाई जी महाराज लिखते हैं, सुख दुख पुण्य दिन अरुराते, सुख दुख पुण्य दिन अरुराते, साधु असाधु को जाते सुजाते, साधु असाधु जाते सुजाते, दानव देव ऊंच अरु नीचो, दानव देव ऊंच अरु नीचो, सजीव सजीव संसार रचा है। और द्वैत संसार को रच करके भगवान ने बड़े प्रेम से संचालन किया है। और चार वर्ण जो बताए जाते हैं, तो ब्राह्मणों मुख माश्रितः बाहु राजन्यः कृतः उरु दस्यदवेश्यम शूद्रो पदभ्याम शूद्रो अजायत। कहते भगवान के चार जो है माता जी, चार अंग बताए गए। ब्राह्मण को मुख कहा गया, सिर कहा गया, ये मुख जो है ब्राह्मण है भगवान के। हाथ जो क्षत्रिय मां, और ये जो पेट है कमर जो है इसको वैश्य कहा गया, और पद को कहा गया सूत्र। और यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं माता जी कि ब्राह्मण बड़े हो गए, सूत्र छोटा हो गया। ये गलत सोच है हमारी, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान विष्णु जब सोते हैं ना माता जी, भगवान विष्णु जब सोते हैं शेष पर, तो पैर भी बराबर होता है और सिर भी बराबर। सोते तो कैसे होते हैं बताइए, सिर ही बराबर होता है और पैर भी बराबर होता है। और खड़े हो तो सारे भार को मात्र एक सूत्र ही वहन करता है। पैर बहुत बहुत अहम चीज है। अगर ब्राह्मण समाज में नहीं चाहिए कहोगे आप लोग, कई लोग निंदा करते रहते हैं, ब्राह्मण ही क्यों, कथाओं में ब्राह्मण क्यों, दक्षिणा ब्राह्मण क्यों, हर चीज में ब्राह्मण क्यों, तो सिर को काट दो आप अपना, ये ब्राह्मण क्यों, क्योंकि आपका सिर ही ब्राह्मण है साहब। ये मुख जो है आपका मुख ही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों मुख मासिदह, आपका सिर अगर नहीं चाहिए तो काटो आप। इस ब्राह्मण को काट कर क्या मिलेगा, कि ये खुद कट जाएगा। इस ब्राह्मण की कोई अस्तित्व पहले न थी न है और न सदा रहेगी। तीन पीढ़ी के बाद हमारे बच्चे भूल जाएंगे, इस ब्राह्मण का क्या औकात है बताइए। हमें सातवीं पीढ़ी याद नहीं है। आज हमारे बच्चे जो है हमें याद रखते हैं भैया, मात्र स्वार्थ के नाम से चिपके हुए हैं। और निस्वार्थ होने दो, निष्काम भाव से हमें प्रेम करेंगे कदापि नहीं। तो ब्राह्मण नहीं चाहिए, सिर काट दीजिए। राजा नहीं चाहिए, हाथ काट दीजिए। अगर वैश्य नहीं चाहिए, पेट निकाल दीजिए। और अगर सूत्र नहीं चाहिए तो पैर काट दीजिए, क्योंकि आपके पैर से लेकर के आपका सिर जो है सब कुछ जो है आप चारों वर्ण आपके अंदर ही है। बोले राधे, अब कहां बाहर ढूंढते हैं, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना मस्जिद में ना मंदिर में, मैं तो तेरे भाई भगवान तो आपके पास नहीं माता जी। ये पांच तत्व का शरीर है, चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंच रचित जो शरीर है माता जी, ये परमात्मा की कृपा से दिया हुआ है। इसकी कोई जाति पाति नहीं है साहब, ना तो ये साहू है, ना कोई पटेल है, ना ब्राह्मण है, ना कोई निषाद है, कोई जाति पाति नहीं साहब। ये इंसान है, भगवान ने हमको मानव बनाया है, जिसमें मानवता होनी चाहिए। अपितु अब मानवता मर रही है, लेकिन मानवता को हमें जागृत करने के लिए ही भागवत श्रवण आवश्यक है। क्योंकि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनि ते तरहि भव सिंधु बना बिना जल जान सियावर रामचंद्र की। तो यहाँ पर माता जी हम ही सब कुछ है, अहम ब्रह्मोस्मि। आप अपने अंदर ब्रह्म को ढूंढिए, वो सच्चिदानंद परमात्मा आपके अंदर है और आप ही ब्रह्म है। अगर आप पटेल के पुत्र हुए पटेल बन गए, साहू के पुत्र हुए साहू बन गए, निषाद के पुत्र निषाद बन गए, ये ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बन गया, तो उस ब्रह्म के पुत्र तो हम सब कोई हैं जी। उस अचल अटल जो अचल शक्तिमान है, उस परम शक्तिमान के पुत्र हम सब कोई हैं। तो उस चीज को कैसे भूल गए आप, कि आप उन्हीं के अंश हैं, ईश्वर अंश। भाई जीव अविनाशी,
और आप लोग सहज आप सुख की राशि साहब कहाँ घूमते रहते थे उधर, तो इसलिए आप अपने आप ही ब्रह्म को जाने, ऊपर उठें और मानवता से जीवन जिए, जिए और जीने, खुशी खुश रहें और खुशियां बांटे बोली राधे। तो भगवान ने बड़े प्रेम से हम सबको बनाया है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, इस व्यास में सदा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, आप समस्त ग्रामवासियों के लिए। देखिए एक ही पुरुष ने हम सबको बनाया जिसको विभिन्न नामों से जाना जाना जाता है, कहते हैं कि भाई ये हमने ये बात लिखी भाई आज ही लिखे है, नोहर भैया बैठे थे और हम लिख रहे थे, आइए एक पंक्ति के माध्यम श्रवण करेंगे। एक ही पुरुष ने एक ही पुरुष से हमने जन्म लिया, उस ही पुरुष के पास हमें जाना है, कर्म ज्ञान भक्ति से नहीं तो मार्ग है, यहीं पर जन राधे कृष्ण को पाना है, सृष्टि के रचयिता और मिटनहार वही अन्न जल वायु हम सब को बनाए है, कोई कहे राम कृष्ण कोई कहे शिव उसे, कोई कहे चंडिका वेद गाए जाते हैं, कोई कहे चंडिका वेद गाए जाते हैं। वैसे कोई उसे कृष्ण कहता है, शिव कहता है, कोई राधे कहता है, कोई चंडिका काली कहता है, वेद विभिन्न नाम से गाए जाते हैं, लेकिन है एका सदा विप्रा बहुदा वदन्ति एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ऐसे आइए हम उस ब्रह्म की सेवा करते रहते हैं जिस ब्रह्म को आप मानते हैं। माता जी कल ये बात आई थी कि अपने जगह पर आप विभिन्न भगवान को बिठा कर रखा है, हमारे गोपाल सर्वेश्वर है, एक सधे सब सब साधे सब, तो एक गोपाल जी को घर में स्थान दीजिए, एक गोपाल पर आस्था रखिए, अगर सबको कहेंगे आप सब भगवान साथ देंगे तो आप भटक जावेंगे। एक व्यक्ति थे भैया प्रमाण देते हैं, एक व्यक्ति थे बाबूजी सभी देवता माला घर में रखे रहा है, जे जेला कहते देवता घर में सजा कर रखे, हनुमान जी ने एक लाली, आप लोग कल बताए जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी, बद्रीनाथ से बद्रीनाथ भगवान, सब कुछ ला के रख दिए, सात मंजिल से नीचे गिर गए, सात मंजिल से नीचे गिरे, सब भगवान को इकट्ठे करके रखे हैं, अचानक हनुमान जी को बोले हनुमान जी सहायता कीजिए सात मंजिल से नीचे गिर रहा हूँ। अब हनुमान जी आने के जैसे आ रहे थे एक मंजिल जैसे नीचे आए, हनुमान जी से विश्वास छूटा, हे राम जी जल्दी आइए, हनुमान जी रुक गए, अब राम जी आने लगे, जैसे एक मंजिल फिर नीचे आए, राम जी से विश्वास खत्म, हे भगवान से कृष्ण जल्दी आइए, कृष्ण तैयार हो रहे हैं, ऐसे करते करते 70 भगवान का नाम लिए, सब तैयार होने लगे आने के लिए, सात मंजिल से नीचे गिरे धड़ाम से और उनका प्राण पखेरू कोई ना आ पाए, और एक नाम ले लेते हनुमान जी आइए, शायद हनुमान जी फट से वहां पर आ जाते, पकड़ कर नीचे खड़े कर देते, लेकिन आप तो भैया एक क्षण में हनुमान जी कह रहे हैं, एक क्षण में राम जी कह रहे हैं, एक क्षण में कृष्ण कह रहे हैं, तो आप तो बदल रहे हैं, हमारे भगवान एक ही है, तो आप बिल्कुल एक गोपाल जी को स्थान दीजिए घर में, गोपाल जी को स्नान कराइए, नित्य वंदन करिए माता जी, और भगवान के विभिन्न नामों में से एक नाम आप चयन कर लीजिए जिसको आपको लेना है, या फिर गुरु जी ने जो कृपा से आपको जो मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र के द्वारा आप उस भगवान की पूजा करें, गोपाल जी को स्थान दें, एक को साधेंगे सब सज जाएगा, और सबको साधने की कोशिश करेंगे तो सब काम बिगड़ने वाला है, बोले राधे कृष्ण भगवान की। तो आइए एक व्यक्ति थे माता जी इस संसार को बनाए हैं, एक व्यक्ति को पसंद नहीं आया, ये संसार आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता, पहले तो आप लोगों से प्रश्न करेंगे, संसार पसंद है कि नहीं है भैया, अच्छा लगता है कि नहीं लगता कुनारी गांव में रहना, कैसे गोविंद भैया, ब्रह्मा जी आधार कार्ड ला पहले जहां दृश्य से आधार कार्ड बनने वाला है कि को पहले जाना दृश्य से, और वो कहा करना है सब जानते हैं, जैसे शरीर में कुछ बनाए हम ये कान ला कावर बनाए हुई कान लगाए ला कान के अंदर से माथे ये एकर का मतलब हेला बनाए से हेला कावर बनाए होते तो कभी भी मुंह सोन खावे ला पुरिया मोदी कोट कातन जैसे लोग ना दिया हेला कावर बनाए होगा सुनाई दे मदे थे दे हेला कावर बनाए हुई फोकट एक्स्ट्रा ब्रह्मा जी है लोकनाथ भैया कहते चश्मा लगाए बार महाराज जब आंखें दी चश्मा काम लगा दे अच्छा मतलब ब्रह्मा जी पहली ले दिमागदार
एक कमल भाजे का है का चश्मा पर थोड़े मरहा था बोला बोगर ममय था चश्मा पर थोड़े मरहा इला अभी कोरोना काल में है लगाए बर दे दी से ब्रह्मा जी मास्क लगाए बोले राधे कृष्ण भगवान की तो भाई एल देर देकर फुकर थोड़े का एक उपयोग है बोले राधे तो ब्रह्मा जी बड़ा सोच समझ कर दे दिए है माजो भी कर किए हैं लेकिन कभी कभी कई लोगों को बातें पसंद नहीं आती कमियां निकाल देती एक व्यक्ति ने कमी निकाल दी कहा कि ब्रह्मा जी ने सब गलत बनाया है सृष्टि बनाई गलत बना दी तो एक व्यक्ति ने पूछा कैसे गलत बना दिया कैसे गलत बना दीजिएगा तो कहीं देखा था कि ये बारीक होती लग कैसे ये नान का नार गे हवा है वो अति गड़ फर फर है नान का नार में अति गड़ फर रखिया मखना मन बाबू नान का नार में नहीं फर रही थी अब अति गड़ पीपर देखा था ये फर देखवे था ये कब बना इसने बनाई कोई ब्रह्मा जी में होते होता अति गड़ पीपर में अति गड़ फर और नार मन में अति बड़ती बड़ फर देते ब्रह्मा जी सब गलत बना देना भाई अच्छा ले ठीक है उदू चाठा बता अब पूरा गिनती लगाई जो पूरा हिसाब किताब निकाला थे अब गलती निकल भैया तो पेठे गलती निकाल सकते ले ठीक है भैया तोला समय बता ही तो ना ब्रह्मा जी गलत बना है कि अच्छा बसंत ऋतु वही बाबू जी देखा मैं बसंत ऋतु अभी भी चला था ना सुंदर आम मऊरे मऊरे फल लग चुके हैं और कई जन लेके मन तो अभी आमक मजा लेबे करत है नान नान के देवा थोड़ा खाते तो ऐसने आमा फर रहा है बाबू जी इतना बड़े बड़े हो रहे हैं आमा बसंत ऋतु आए गर्मी बढ़िया सुंदर आम के बगीचा में जो आदमी बुराई निकल निकलिया है गीज सुंदर हवा चली ठोकर मन लगेज किए जगह थोड़ा छा में आराम कर जैसे आराम करे पर लेटीज भैया नींद पड़ी सुंदर अमरैया माँ और जैसे आमा नीचे गिरी जटका पर हवा में नीचे गिरी तो सीधा होकर नाक में और जैसे नाक में गिरी फड़फड़ा के हे भगवान का हो गए अब देखते तो अक्का बड़ा गिर रहा है नाक में परे रहा है घरे बैठे दर्द में ऊपर देखते तो आमा पूरा फरे आमा अक्का बड़ भगवान धन्यवाद ज्ञापित करते हो हे भगवान बने हो गए प्रभु अक्के बड़ आमाए हैं मोर नाक में गिरी से को मोर कह लेते एक बार रखिया तो तंगाई रही थी और नीचे में सोई रही थी अब कहूं वो गिरी रही थी तमो लीला फिर इसको लगा डाला लाइव झिंगा लाला हो जरूरी बोलिए राधे तो भाई मोर के से नहीं हुई अच्छा है जो परमात्मा बनाए हैं वही होई है सोई जो राम रची राखा को करे तर्क बड़ा वही तो ऐसे भगवान ने जो बनाया है वो अच्छा है क्योंकि बुरा अगर हम देखेंगे माताजी संसार में सब में बुराई है लेकिन हमें मात्र अच्छाइयों से मतलब है न कि किसी की बुराइयों से मतलब अच्छे लोग अच्छे देख लेते हैं और बुरे लोग जैसी होती भवितव्यता वैसे उपजे बुद्धि जैसे मनुष्य की भवितव्यता होती भाव होती वैसे लोग देख लेते हैं आइए हमारे भगवान ने जब कर्दम जी को कहा ब्रह्मा जी ने कि पुत्र तू भी संसार का सृजन कर संसार का सृजन कर और सृजन कार्य में तू पीछे क्यों है तो कर्दम जो महाराज हैं, कर्दम जी महाराज जो हैं 10,000 वर्ष की तपस्या करते हैं सरस्वत्यानदिस्ते पे सहस्त्राणाम समादसह 10,000 वर्ष की तपस्या करते हैं और जब तपस्या किए तो भगवान उनके समक्ष खड़े हो गए शांताकारम भुजग सैनम जब भगवान वो भुजंग सैनम शांताकार जो है जो भगवान शांताकार होकर के शांत भाव से 1,000 मुख वाले भुजंग पर शयन करते सोचिए वो शांताकार है उनसे भी एक बड़े भक्त है जिसको प्रशांत आत्मा कहा गया उसी कथा आगे आवेगी जो भगवान से भी बड़े हैं जो प्रशांत आत्मा है जितेंद्रिया है सत्यवादी है भगवान को शांताकार क्यों कहा गया तो उन्होंने बताया सुखदेव स्वामी ने कि वो 1,000 मुख के सर के ऊपर शयन करते हैं शांत भाव से अगर आप मल्ला माता जी जिसे तरिया हवा पाचुम तरिया है नहाए बर गए हो पचरी में पचरी नहाए बर गए ढोड़िया साहब कहो इसे तिरुमुलादिच ना
तो कतको बार जिगर वाला रहा है वो पैर रखे कोई 10 बार सोची हो ढोड़िया आए हो कोई भारी नो है चाबी तब वो एक वो कहते भैया हम चाहते थे बताते एक गांजा का नशा करते कि वो गांजा वाला मला कहा था प्रेम से कि भैया तुम मेरा पिए मन करते ना और ढोड़ियाल पकड़ के जब वो आए करे कोई 50 रुपए खर्चा करे के नहीं बोलिए रात के तो यहाँ पे वो ढोड़िया साहब आए ना माता जी पैर नहीं रख सका आप रख सको किसे बेटी डर डर हूँ पैर 10 बार सोचो हमन भी अकर वर शरीर रखे भैया ढोड़िया का उद्दिक के ना नहायक मन नहीं करे लेकिन उस क्षीर सागर में वो दया निधि जो है शांत भाव शयन करती इस रूप को शांताकार कहा गया भुजंग सैनम उस भुजंग पर शयन करते प्रकट हुए कहा पुत्र वर मांगो उन्होंने कहा कि मुझे वर में कन्या चाहिए और मेरे योग्य हो मुझे कन्या की आवश्यकता में विवाह करना चाहता हूँ मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा है कि तू संसार का सृजन कर तो मुझे एक संतान उत्पत्ति के बाद में फिर से ब्रह्म कार्य में लीन हो जाऊंगा तो कृपा करके मुझे कन्या दे। भगवान मुस्कुराकर बोले अरे भाई 10,000 वर्ष की तपस्या की है मैं आया और मांग रहे तो एक कन्या कोई महाराज का चल देते देख तो महाराज कहते मिलेगा 2 मिनट कामरी नरिया धर लेते अगरबत्ती धर लेते 10-5 ऊपर दक्षिणा धर लेते पर महाराज चल देते अमेरा वाला कर नहीं जाते तो कुनारी वाला कर चल देते कुनारी वाला कर नहीं जाते तो कंजी चल देते जगह उतर 20 माह से 10 मिनट कामरी से अब जाके महाराज दिखा लेते भाई कति मेरी महाराज उत्तर जाऊं दक्षिण पूरब जाऊं पश्चिम अब जितना पटेल है मैं जान लो हमर मन पास कोई पटेल आते ना निश्चित रूप से हम जाते हैं इतनी उत्ती कोती जाबे के नाखे मुंह के कोई पंचांग खोले जरूरत नहीं है उत्ती कोती जाते हैं काबर ज्यादा ज्यादा कुनारी गिंदोला पिसी अब कहूं आगे हो गई होती तो लवन वो करो कते कहो भैया उत्ती गिरो गिरो अटके ताए अब कोती जाबे थी पंचांग देखे नहीं लागे पटेल नारिया न दे और 10 बीस धरे दल देती तहूं खसा का मुंह खस अब बता दे भाई मूल मंत्र बता दे जितना पटेल होते बोलना अब पंचांग ने कहा बोली राधे कृष्ण भगवान की अब कोई साहू है अब गोविंद जी बैठे ते कहूं आज गोती बेजा पश्चिम को तुति जा सुंदरा गोती और ज्यादा लक्षणपुर को तक जा भाई वो गोती मिलते बोले जय श्री राम भगवान मुस्कुराकर बोले अरे स्त्री चाहिए कन्या चाहिए तो ब्राह्मण ये बनाए हैं वेदज्ञ हैं वेद के ज्ञाता जाओ तो कहा महाराज जी वो वेद के ज्ञाता भी आपके समक्ष टिके हैं जो आप हमें देंगे पिता बन करके वो हमें चाहिए आप बताइए उन्होंने कहा कल आपके पास मनु जो है शत्रुपा को लेकर के आपके आश्रम आवेंगे और सुंदर भाव से अपनी पुत्री जो है देवहूति उनका विवाह का प्रस्ताव आपसे रखेंगे सहृदय स्वीकार कर लेना हम नारद जी को भेज रहे हैं और वास्तव में वो कर्दम जी महाराज घर आए गोबर आदि से सुंदर अपने आश्रम को शुद्धिकरण किए गोमूत्र का छिड़काव किए देखिए माता जी गोमूत्र का छिड़काव और गोबर का लेपन ये महान घर की सुरक्षा है बड़ा बड़ा वायरस खत्म हो जाता है गोमूत्र से और गोबर से उनकी सुगंधी से जो है बड़े बड़े वायरस खत्म हो जाते हैं आज के जो बच्चे जो है उनको दुर्गंध कहते हैं वो दुर्गंध नहीं है जितने बेटे बेटियां हैं वो ध्यान देंगे वो दुर्गंध नहीं है वो गौ माता का गोमय है उस गो हमारे शिव पुराण में एक बात आई भैया कि गोमूत्र और गोबर जो है साक्षात सरस्वती माता और माँ जो है पार्वती है और हमारी जो सावित्री माता है तीनों मिल करके गोमय गोमूत्र को और गोबर को प्रदान करती है जो गाय के जो है हमारे घर की रक्षा करती है और दोनों का मिलन हुआ बाबूजी शिव पुराण ने बताई गोमूत्र और गोमय का मिलन जब हुआ गोबर का उसी से माता पार्वती जो है बिल्व पत्र के रूप में अंकुरित होती है पूरी पार्वती माता की और उस बिल्व पत्र को साक्षात पार्वती समझना चाहिए बोली राधे हमारे धर्म ग्रंथों में गौ माता का बड़ा एक भाव है अब भगवान जो है जितने 33 प्रकार के देवता हैं समस्त जितने देवता हैं सब गौ में ही वास करते हैं भैया आप सब जानते हैं इसलिए गौ की गौमूत्र गोबर से ही लेपन किया करें और जिस घर में माता जी प्रातः काल गोबर छिड़काव होता है पहले करते थे
हर द्वार पर प्रातः काल उठ करके माताएं जो है गोबर से लिपती थी, छिड़काव करते छिटा देती थी। क्यों जानते हैं कि प्रातः काल महादेव जी महाराज आते नंदी बैठ करके पार्वती को साथ लेकर के सूर्यास्त सूर्य उदय से पहले जो स्नान संध्या करके गोबर गोमूत्र का छिड़काव करते हैं घर के बाहर घर के अंदर, उनके यहाँ स्वतः ही महादेव जी प्रवेश कर लेते हैं। बोले देवादिदेव महादेव की। उसके पश्चात जहाँ महादेव जी आए वहाँ प्रातः काल सूर्योदय हुआ, ब्रह्मा जी आवेंगे। मध्याह्न हुआ, मध्याह्न से विष्णु जी आवेंगे। और फिर सायंकाल हुआ तो भोज के पश्चात आप जब भोजन कर लिए तो संहार करने के लिए अर्थात सुंदर निद्रा देने के लिए फिर महादेव जी आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। अर्थात सृजन पालन और संहार ये तीनों देवता आपके प्रतिदिन आते हैं बोली राधे कृष्ण भगवान की। तो जिस घर में गोबर का लेप हुआ होता है वहाँ गोपाल आते हैं, जहाँ गोबर नहीं गोमूत्र नहीं वहाँ कदापि गोपाल आने वाले। इसलिए गौ तो होनी चाहिए। हम लोग कहते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गौ हत्या बंद करो, गौ पालन शुरू करो, कहे तो दे देते हैं भैया, लेकिन कहने मात्र से कुछ होने वाला, उस जड़ को हमें रोपण करना होगा। हमारे नारद जी महाराज आते हैं, भगवान ने कहा जाओ नारद जी महाराज मनु के पास जाओ, सुंदर कुटिया को सजा लिए हैं करदम जी महाराज ने, आप जाकर विवाह का भाव रखो, मनु को भेजो। और वास्तव मनु के पास नारद जी महाराज आए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 माता जी नारद जी को गलत समझते हैं। कई लोग गांव में नारद रख देते नाम बाबूजी। फिर नारद आवाज का फिर नारद आगे काम लगी गाड़ी। कई जन महिला मन तक को महिला मन के नाम नारद रख देते हैं। ये नारद देखा था ये तिल ओती और ओती ले। अब कई जन पुरुष के नाम तक को रख देते नारद जी। ये नारद देखा तक नाम लेबे ना बैठक में देनी है जी का। हां वो नारद ने कहा था। तो ऐसे नारद जी नाम धर देते हैं लेकिन ये हमारी गलती है। नारद जी महाराज को पहले में समझना होगा। नारद जी महाराज न्यूज चैनल है वहां के, इधर का उधर और इधर का ना अर्थात नहीं और रद यानी गलत, जिसकी बातें कभी गलत नहीं होती वो होता है ना नारद, जो सत्य के परिभाषी सत्य वक्ता है और सही कार्य से देव कार्य से कार्य करते हैं। नारद जी महाराज आए, मनुज ने स्वागत किया, स्वागत है नारद जी महाराज, स्वागत है। मनोज जी को कहा कि हम कुछ देव कार्य से आए हैं तो बताइए। कहा कि आपकी पुत्री है देवहूति, हाँ उसको आप करदम जी से ब्याह करा दीजिए, शास्त्र मत और भगवत विधान से आप उनका ब्रह्म विधि अनुसार उनका विवाह कराइए। ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी इच्छा, हरी इच्छा हमें हमें स्वीकार है। मनोज जी महाराज पत्नी को साथ मिले सतरूपा को माता जी, और साथ में लेकर के सुंदर पुत्री को साथ में लेकर देवहूति को सुंदर चले गए। और पहले ना भैया पहले ना माताओं पुत्री वाले ढूंढते थे पुत्र जो है। आज दुख की बात यह है कि पुत्र वाले पुत्रियां, गलती किसकी जानते हैं, आप लोगों की गलती, समाज की गलती। आपने जो भ्रूण हत्या किया है, भ्रूण हत्या किया, जांच कराया, सोनोग्राफी कराया, सोनोग्राफी करा करके पुत्री कहा, तत्काल आपने दो गोली खाए, खत्म। आपने खुद गलती की, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारे हैं, वरना
वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जीवन व्यवस्था ही भगवान ने बड़े प्रेम से चला रहे थे। पेड़ भगवान ने काटने को नहीं कहा आप काट रहे हैं, मेड़ आप देख रहे हैं ना, पेड़ बचा ना मेड़ बचा, आप लोग कितना मेड़ खपट रहे हैं बताइए, कितना खपट रहे हैं। इधर से एक मेड़ जाओ साहू खेत और साहू खपट जोतिला तेतिल पटेल खपटा थे ना मैं बचा हां जीला इतिले खपटा थे खपटा खपटा तो मेड़ बेचारा अटका हो गया। नान मुख पेड़ कहूं खड़े भी है ऊपर ले उलन देवत कर दो पेड़ कहूं खड़े भी माता जी उलन देवत और कहूं ते जा था मेड़ पहले एक मेड़ यहां रहे माता जी एक बुरी यूरियल धर और सुंदर तान के रे सीना तान आवाज कहूं एक बुरी यूरियल बोह करे कहां की बे तो तोर खेत में नहीं दूसर खेत में पला जी ऐसे भरस ने गिरबेते हैं पति अति बढ़ावा है मेड़ रेंगत रेंगत जावा इतनी दे साहू जी खपट रे इतनी दे पटेल जी खपट दे ये बची पता नहीं आधा एकड़ खेत बढ़ जैसे लागते तो यहां पे और ये बात सत्य बाबू जी महू ले रहा है एकाध एकड़ खेत भैया पटेल भैया एक एकड़ खेत दे रहे हैं अरुण भैया के लगे गहना धर रहे हैं नहर पल्लो में बढ़ा भाई प्राण घात का लोगों के महू सियानी मारे होगा आधा बोरी यूजल मोहे में जा था महाराजिन के हैं गे दो खेत के ऊपर मरिए से दो खेत पे का एकड़ मेड़ रेंगे बाबू खरहत्ता मैं कह जाना है 80 किलो भैंसा है गिर जी की बोली राधे जो रेंगे वो होके वो मेड़ नहीं सही सकी जगा और जो भस्की तो पूरा आधा बोरी यूरिया दूसर के खेत में तब मोर दिमाग खराब महू छीन दो खेत मेल भाई तोरे भाग में तीन छीन देता हूँ। अब चार दिन बाद गया होगा चल खेत वाला मोर नाम लिखे कि आधा बोरी यूरिया डाले थे गेहूं तो खेत वाला सही में रहा वो जगह देखिए मोला महाराज दत्कल कैसे बंकी चढ़ ले दत्कल कैसे दिखा महाराज दत्का ऐसे के अब मैं देख यार ये अटके मत में यूरिया छीन दे आधा बोरी ला उसके में डाल दे उसका पूरा जर गिर इसका खेत के मैं के बताऊं एला मुही छीन दे यूरिया के मूला गाती थी पता नहीं भैया कुछ बीमारी आई सिर से रखते गए और खस सकते मुंह बोली राधे तो ऐसे ऐसे हमारे कार्य है माता जी गलती हम लोग सब स्वयं करते हैं और दोषारोपण किसी और के ऊपर मैं हवा का अच्छा काम हुआ थे अब मैं जिद नहीं रहा तो देखबे घर के पूरा बुरा हाल अब देता हूं इनका एकदम गलत करने वाले बाबा ते हवा तब अच्छा काम हुई नहीं रही तब अच्छा काम हो ही विश्वास कर इस संसार में चलाने वाले जो हैं चलनहार जो चलान चालन हार हैं बिल्कुल अच्छे ही चलाते रहेंगे बोली राधे कृष्ण भगवान की तो हमें अपने कार्य अच्छे करने होंगे। मेड़ को ही बचाइए भक्तों और पेड़ को ही बचाइए और ये भगवान का आदेश है बोले राधे कृष्ण भगवान की। आज हमारे करदम जी महाराज जो है उनके पास देवहूति को लेकर के आते हैं माताओं देवहूति को लेकर के जब आए तो देखिए करदम जी महाराज चटाई बिछाए और जब बड़े आए तो पहले शिष्टाचार के द्वारा आसन का निर्माण करें उसके बाद बड़ों का सम्मान करें हजार काम छोड़ करके आप पहले उनका प्रणाम करें फिर जल देवे जितने घर की बहुएं बेटी हैं एक बात ध्यान देंगे कि पहले जल दीजिए शिष्टाचार कीजिए प्रणाम कीजिए सिंदर आपके आंचल ढके हुए रहने चाहिए घर में है पति के साथ तो उसके बाद हमें कोई वहां पर वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन सास है ससुर है देवर है और घर के कोई बाहर से आए हुए अतिथिगण है तो बिल्कुल ये जो हमारा आंचल है हमारे सिर पर होनी आवश्यक है। देखिए कैसे परीक्षा लेते हैं करदम जी महाराज जो है दो आसन लगाए अपने सास ससुर होने वाले सास ससुर के लिए और एक आसन लगा दिया अपने पत्नी के लिए होने वाली पत्नी के लिए और स्वयं बिना आसन के बैठ गए। मनुजी महाराज आए आसन ग्रहण किए प्रणाम किए शिष्टाचार निभाए पानी जल जो भी उदिये शिष्टाचार के द्वारा संस्कार भाव से अपनी पत्नी को भी एक चटाई लगाए वो पत्नी देखी होने वाली पत्नी देवहूति जो है कि मेरे होने वाले स्वामी जो हैं बिना आसन के बैठे बिना आसन के बैठे हुए हैं तो बिना आसन के मेरे स्वामी बैठे हैं तो मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं आसन लगा करके बैठ गया। वो देवहूति जो है आसन अपने स्वामी की ओर खिसका दी कहा कि स्वामी अगर मेरे माता पिता आसन में बैठे हैं तो उसके बाद माता पिता के बाद आप मेरे होने वाले स्वामी हैं तो हमारे अधिष्ठात्र हुए आप तो पहले आप आसन ग्रहण कीजिए।
तो आसन उसकी ओर खिसकाए, कर्दम जी मंद मंद मुस्काए और कहा कि आज से हमें पद दे रही है, तो वो वास्तविक में ये हमारी पद की गरिमा बनाए रखेगी, इसमें कोई दो मत की बात। अब पत्नी वो है जो पति के पद की गरिमा हमेशा बनाए रखे, उसके पद को कभी कम ना होने दे, अपने आचरण से, संस्कार से, अपने जीवन के हर एक कार्य से। जो पत्नी अपने पति की गरिमा को बनाए रखती है वास्तव में वही पत्नी, जो पति के पद को बनाए रखे पत्नी। हमारे कर्दम जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि आपके आने का भाव, कहा कि हमें भगवान का आदेश है कि हम आपको पुत्री दे देवे, आप इनको स्वीकार कीजिए। कहा कि हमें स्वीकार है, सहर्ष जितने साधुगण हैं बुलाते हैं अपने साधु भाइयों को, हम ब्रह्म विधि के अनुसार हम कार्य संपन्न करेंगे, और या फिर आप कहेंगे तो हम प्रजापति आदि के द्वारा भी हम विवाह कर सकते हैं, या आर्ष विवाह भी कर सकते हैं, जैसे आपके। उन्होंने कहा हम कन्यादान करेंगे, और देखिए वास्तव में कन्यादान सबसे बड़ा दान कहा गया है। आपकी करोड़ों संपत्ति एक तरफ साहब, तो एक कन्या अगर आपके पास है तो कन्या का दान अगर आप करेंगे तो आपके लिए भगवान गोलोक में राधे कृष्ण भगवान जो जगह जगह बनाते हैं, ससुर चक वही कौशल राव भुवन चार दस प्रगट प्रभाव, आगे होई जो सुरपति नहीं अर्घ सिंहासन आसनु दे। दशरथ जी महाराज को आधा सिंहासन दिया जाता था क्योंकि वो भी कन्या दान किए थे, अर्थात शांता का दान, अपनी पुत्री का दान श्रृंगी ऋषि के हाथों किए थे, बोली राधे कृष्ण भगवान की, और कन्या दान किए थे इसलिए भगवान राम ने उन्हें वियोग के द्वारा जो है दुख दे करके भगवान राम से जोड़ दिए, वरना वो तो ऐसे आसक्ति की ओर कई कई रुपये आसक्ति की ओर फंस रहे थे। भैया जिनकी गणना करें तो वो उस दलदल से वापस नहीं आ सकते, क्योंकि क्रिया शक्ति से कई कई, कर्म की शक्ति कई कई है। वैसे हमारे भगवान जो हम सबको बचाते हैं। सुंदर विवाह हुआ, बिंदु सरोवर में गए, स्नान किए, दिव्य शरीर धारण किए। कर्दम जी महाराज सुंदर विवाह के पश्चात 100 वर्षों तक एक ओरा में घूमते रहे, किसी ने नहीं देखा, परमात्मा की नजर वहां पर नहीं पड़ी। और आप लोग कहेंगे कैसे नहीं पड़ी, तो एक बार बता दे माता जी कि हमारे पास 125 वर्ष हैं, कितने हैं 125 वर्ष हैं। जो पति अपने वचनों का पालन करते हैं, 7 वचन पति जो दिए हैं और 4 वचन जो आपने क्रिया शरीरम संस्कारम हास्यम प्रभे आनंद तजेत प्रोषित भत्र का, जो आप 4 वचन आप दिए हैं अपने पति को, अगर उस वचनों का पालन अंतिम श्वास तक होता है तो सच कहता हूँ माता जी, भगवत में पति लोग की वर्णन की गई है, जो 14 लोग बताए गए, भू भुवः मह जह जन तप और सत्य, ये 7 ऊपर, तल वितल सुतल तलातल सातल और पाताल, ये 7 नीचे, ये 14 लोगों से परे एक पति लोग बनाया गया है, जिस पति लोग में पति पत्नी विहार करते हैं, जहाँ कोई दुख नहीं होता है, किसी प्रकार की आपको कमी नहीं होती, जो आप चाहेंगे वो सब आपको प्राप्त होगा। ऐसे हैं हमारे पति लोग, जहाँ पति पत्नी प्रेम से जीवन निर्वहन करते हजारों, जब तक सूर्य और चंद्रमा की गति है तब तक, ऐसे पति लोग को हम छोड़ करके थोड़े से वासना में अगर कहीं गिर गए तो इतना जान लीजिए कि हम पति लोग का दर्शन स्वप्न भी नहीं कर सकते, बोले राधे कृष्ण भगवान की। तो ये पति लोग हैं जहाँ सती जाती हैं और एक अच्छे पति जाते हैं, तो अच्छे पति बनिए और एक अच्छी पत्नियां बनिए। माता जी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने पति की सेवा कीजिए, अपने पति से हंसिए, पति से व्यंग विनोद कीजिए, कभी भी पति को कुछ बातें बुरा ना लगे ऐसे बात कीजिए। अगर पति नहीं संसार में तो इस परम पिता परमेश्वर को सब कुछ मानिए, सब कुछ है जगत पति, इस पर न्योछावर होइए, अपने पति को ढूंढिए, इसलिए और इसी को अपने पति समझ करके गोद में बिठा करके सुंदर स्नान संध्या निर्वृत्त कीजिए, जब तक अंतिम श्वास नहीं आ जाते। देखिए कैसे हमारे परमात्मा जो है आपको पति लोक में आपके पति से आपको नहीं मिला, उसका मिलन होगा साहब। अगर ब्रह्म विधि अनुसार आपका विवाह हुआ है तो 14 लोग आपके साक्षी थे, जिसमें ध्रुव जी महाराज भी आपके साक्षी हैं, जिसने 5 वर्ष में भगवान की प्राप्ति की, वो वहां पर खड़े होकर के आपको पति से और आप लोगों को अपनी पत्नी से मिलन कराएंगे, उनका कार्य वही है। बोली राधे कृष्ण भगवान की, बोली राधे। हमारे कर्दम जी महाराज जब समय बीता, 9 कन्याओं का जन्म हुआ,
शांति ख्याति अरुंधति ऐसे नौ कन्याओं का जन्म हुआ। जब नौ कन्याओं का जन्म हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने एक संतान उत्पत्ति के बाद हम वानप्रस्थ लेने के लिए हम सोच रखे थे। देवहूति ने कहा कि 12 वर्ष बाद तो आप हमारी तरफ ध्यान किए, 12 वर्ष आपने हमें छुआ नहीं, संसर्ग स्थापित हुआ नहीं। कहा कि 12 वर्ष हम नहीं, 36 वर्ष तक वाचस्पति ने अपनी पत्नी को देखा नहीं, आप तो 12 वर्ष कहते हैं।